तो दोस्तों कभाई आ चुका है अल्ट्रा प्रो मैक्स विद्यालय के साथ स्वागत आज की इस वीडियो में। अपन लोग खेल रहे GTA 5 एंड लास्ट वीडियो को अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ये जो आपको दिख रहा है ना भाई नुबड़ा बंदा, ये ड्राइवर भाई, इसको पुलिस से बचाया हमने। भाई क्या बोल रहा है, यहीं सुतेगा क्या हमसे? हाँ, तो इसको हमने जेल से बचाया था एंड प्लीटो शहर में थे, लेकिन अभी हमको भाई घर वापस जाना है। मामला सारा शांत हो चुका है, हमको लेस्टर ने बता दिया है। बाकी भाई ड्राइवर आ जा, बैठ जा कार में, आ जा बैठ जा मेरी कार। मतलब ट्रेवर भाई इतनी कम है क्या जान भाई, बड़ा ज़्यादा बोल लग दिखाते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं एट बैठने में। हाँ तो भाई घर चलते हैं, वो बुला रहा है। एंड अब भाई प्लानिंग करनी है हमको मारने की प्रेसिडेंट को, क्योंकि भाई उसका बहुत ज़्यादा सीन हो चुका है। एंड लेस्टर भी कह रहा था भाई तू आ जाए, एंड उसके बाद फ्रैंकलिन को भी बुला ला, फिर प्लानिंग करेंगे एंड उसके बाद भाई आज या एंड उसके बाद फिर उसको उड़ा देंगे। तो चलो भाई यार जल्दी से पहुंचते हैं अपने घर पर एंड उसके बाद फ्रैंकलिन को लाते हैं और उसके बाद देखो भाई कैसे ख़त्म करता हूं मैं इसको। सो लेट्स गो भाई, जल्दी से पहुंचते हैं घर पे बिना कोई BACK। ओ यार भाई क्या कार है भाई, कहाँ से हाथ लग गई मेरे, एकदम खतरनाक चल रही है, मज़ा आ गया इसको। लेकिन भाई मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, उधर चल ब्रो। जी सही है, लेट्स गो ब्रो। ओ भाई क्या ड्रिफ्ट मार रही है ये, भाई साहब खतरनाक होली भाई। लेकिन इसके समझ में नहीं आया ये मतलब मुंह पे लेके जाएगा। तो भाई मैं भाई भाई ज़्यादा बहुत बोलता हूँ यार, इसको कंट्रोल करूँगा बट मेरे से हो नहीं पाता यार भाई साहब। ये देखो फिर, लेकिन हाँ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो करूँगा मैं कंट्रोल, कमेंट कर दो बस उसके बाद कर लूँगा। भाई साहब क्या कार चला रहा हूँ मैं आज, ये भाई क्या बोलूँ मैं, कंट्रोल कर लूँगा आप बस कमेंट कर दो भाई, बहुत ज़्यादा भाई भाई बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ यार कमेंट कर दो, मैं खुद बाद में रिमूव या हाइड कर दूँगा तुमको, कमेंट कर देगा बस। बाकी हमारे हाथ में है लेकिन जुकाम होगी, यू नो लेट्स गो। पहुँचने वाले हैं भाई अपने सिटी यानी कि अपने घर, लेकिन भाई क्या ही ट्रैफिक हो रहा है। ये देखो भाई हेलीकॉप्टर वो मैंने भेज देता लास्ट वीडियो में वापस, क्योंकि भाई उसका सीन कुछ ज़्यादा तगड़ा रहता है। एंड ड्राइवर को भाई यहीं उतार देते हैं, फ्रैंकलिन को लेने चलते हैं उसके घर पर। अरे भाई अभी ठुका तो उतर जा भाई। ओके भाई तो ड्राइवर यहाँ से चला जाएगा, इतने अपन चलते हैं एंड लेके आते हैं भाई फ्रैंकलिन को अब। ओके गाइस यार तो हम भी पहुँच चुके हैं भाई, फ्रैंकलिन को ले आके घर पर चलते हैं भाई अंदर। अभी कार बड़े थी भाई, इसको यहीं खड़ा कर देते हैं। ओके भाई तो आ चुका है फ्रैंकलिन भाई, उधर कहाँ जा रहा है यार भाई, भाव लोग लोगे कैसे? आजा पीछे चलते हैं ऊपर, भाई होगा अपना, आजा भाई। कभी कहाँ गया हो भाई, एकदम आराम आराम से आ रहा है, चल भाई साहब आ जाओ, और भी क्या ही कर सकते हैं हम आपका। ओके लेट्स गो ब्रो, चलते हैं अभी ऊपर क्योंकि भाई लेस्टर हैकिंग करता अपने रूम में ही। ओके ब्रो, हो यहाँ पर भाई तगड़े वाली हैकिंग चल रही है। ये कुछ कर रहा है, उधर ड्राइवर लगा हुआ है फ़ोन में, वो कुछ ना कुछ कर रहा है एंड ये कुछ ना कुछ कर रहा है। भाई साहब खतरनाक सीन चल रहा है, हैकिंग चल रही है दबा के, ये सोच रहे हैं प्लान बना रहे हैं। एंड अभी भाई फ्रैंकलिन भी आ चुका है, तो चलो भाई यार इससे पूछते लेस्टर से और करते हैं हमको क्या क्या करना है ब्रो। हाँ तो भाई यार लेस्टर हमको बता रहे, तो थोड़ी देर रुक कर तुम दोनों को भी मैं काम बताता हूँ, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें लगा हुआ है। तो भाई अपन अब इतने पैसा देख लेते हैं एंड कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, बहुत सालों से यही कपड़े पहनने, और तू पैसों में कहाँ जा रहा है फ्रैंकलिन, उधर से निकल भाई। ये तो भाई जाडो वाले आ लिए भाई, ये वाले पहन लेते हैं, यही सही हैं। ओके निकलते हैं अभी यहाँ से, हमारे आ चुके हैं नए कपड़े। ओके भाई यार तो अभी हम यहीं पर थे, लेकिन भाई यार मेरे को लेस्टर बोल रहा है। ओके भाई यार तो अभी भाई लेस्टर मेरे को कह रहा है कि बाहर तेरी वाइफ आई है अमांडा पुलिस के साथ, और भाई लेस्टर का दिमाग ख़राब हो चुका है भाई, ये क्या सीन हो रहा है। उसकी फैमिली तो छोड़ के चली गई थी बट वो भाई किस लिए आई है यार, जाके उससे बात करते भाई साहब क्या सीन हो गया, मेरी तो भाई फट रही है, कुछ गलत वलत कांड नहीं हो गया हो। चलो चलते हैं भाई, कोई भाई साहब पुलिस है भाई यहाँ पर चारों तरफ, ये पुलिस क्या करने आई है भाई, अमांडा से बात करते हैं ब्रो। और भाई साहब मैं क्या बोलूं, ये मेरे को अरेस्ट कराने के लिए आई है भाई अमांडा, कि तू मतलब अरेस्ट होगा भाई, इसको काम पसंद नहीं है माइकल का। जब भाई मतलब ये गई थी भाई, तू जा तू सुखी रह, तू खुश रह भाई, हमारे लिए क्यों मतलब खतरा बननी है भाई। ये तो कोई इधर बेसूस बना दिया, इतने काम कर रहे थे यहाँ पे, इसकी भैंस की आँख, इसके लिए कॉल करा था हमने, तुम्हारी भैंस की आँख इनको उड़ा भाई, ये सोच रही हम
ये सोच रही है भाई, ये जो पुलिस वाले आएंगे ये हमको मार के चले जाएंगे, इनके तो मैंने हक दिया भाई, इनको तो बचा दिया। और भाई तू भी चली जा, मेरा दिमाग ख़राब मत कर वरना भाई सीन हैंग हो जाएगा। और तो भाई सारे के सारे चारों बंदे जल्दी आओ यहाँ से, भागना भाई वरना और पुलिस आएगी। ये कह रही थी अगर तू नहीं गया तो और पुलिस, ये कह रही थी अगर तू नहीं गया तो और पुलिस आएगी। 3 लेवल की पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से गोली पड़नी। लेकिन तुम किस लिए आए हो भाई, सिक्योरिटी वालों मारो ना बंदों को। भाई चारों बंदों से कह दिए कि हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, तो भाई जल्दी बुलाते हैं उसको एंड भागते हैं। भाई लास्ट का दिमाग ख़राब हो चुका है इस चीज़ को देखने के बाद, लेकिन लेवल 3 की पुलिस पड़ी हुई है। भाई जल्दी निकलो यहाँ से चारों के चारों। ओके भाई यार लास्ट आ गया, ओके बैठ चुके एंड वो भी आ चुके, लेकिन भाई पीछे पुलिस देखो यार कितनी पड़ चुकी है। भाई जल्दी भाग यार, यहाँ पर तो मतलब ख़तरनाक सीन हो गया भाई, मैंने सोचा ही नहीं था भाई क्यों सीन होते हैं हमारे साथ। भाई अमांडा को क्या दिक्कत हो गई थी हमारे साथ। तो भाई यार लेस्टर कह रहा है कि अभी ट्रैवर के यहाँ पर चल तू, एंड ट्रैवर भी बोल रहा है हाँ भाई मेरे घर चल लो, पुलिस को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पहले पुलिस से बच जाओ एंड उसके बाद इसके घर पहुँचते हैं। तो पहली बात तो जितना ऊपर हो सकता है उतनी ऊपर उड़ो, क्योंकि फिर पुलिस ढूंढने में मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा पुलिस को। तो चलते हैं भाई, एंड पुलिस अभी से मेरे को भूल पा रही है, लेकिन ये इनके जो हेलीकॉप्टर है ना भाई ये काम ख़राब कर देते हैं। एक हेलीकॉप्टर मेरे पास है कहीं ना कहीं, बस वो चला जाए उसके बाद। ये देखो भाई ये वाला भाई यार मारना ट्रैवर इसको कैसे ना कैसे। ओके भाई यार तो वो हेलीकॉप्टर जा चुका है, एंड भाई यार पुलिस को मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि भाई आपको पता है मैं आसमान में, उनको कैसे दिख जाऊँगा। तो जल्दी से मार्क लगाते हैं भाई इसके घर का, एंड घर किधर है भाई, ये क्या हो गया। ये तो सही है भाई, उसका घर भी यहीं कहीं पर है। सो भाई थोड़ी देर चलो वेट कर लेते हैं, एंड अभी हवा में उड़ते रहते जितने पुलिस नहीं हटती, वरना यहाँ पर तो भाई आज खतरनाक सीन हो गया है यार, क्या क्या होता रहता है मेरे साथ, एंड जुकाम हो ही पड़ी है भाई ख़तरनाक वाली। अब एक और पुलिस का हेलीकॉप्टर आ रहा है सामने से, भाग 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 भाग। अरे भाई दोबारा से देख लिया यार, क्यों भाई क्यों, छोड़ दे भाई यार पीछे ही आ रहा है भाई साहब, इससे कैसे बचूंगा, और ऊपर जाना पड़ेगा जो कि ये आ ही नहीं पाए। ये देखो भाई यार वो आ गया सामने, लेकिन मैं भाई ऊपर जा रहा हूँ जितना जा सकता हूँ जहाँ पर ये पुलिस वाला नहीं आ सके। देखो भाई वो साथ साथ उड़ रहा है यार, चलो भाई ऊपर चलो जितना जा सकते हो। ये देखो भाई वो आएगा, बस एक उसको मारना है भाई, जाके हेलीकॉप्टर ठोक दूँ क्या, मेरे पास पैराशूट है। इसकी भैंस की आँख रुक जले, ले 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 ले, अरे ब्रो ओके ओके टक्कर कर सकते हैं हम, टक्कर भाई बजा दी इन्होंने। ओके भाई लोग तो पता नहीं ये वाला हेलीकॉप्टर भी भाई कैसे चला गया, लेकिन भाई मैं दोबारा पकड़ना नहीं चाहता हूँ भाई, कोई सा हेलीकॉप्टर आ नहीं जाए वरना दोबारा से पकड़ा जाऊँगा और उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ सीन हो जाएगा, इसलिए पहले दूर चलता हूँ जिससे कि हेलीकॉप्टर आए भी तो उसको मैं दिखूँ नहीं। बाकी तो सारी गाड़ियाँ नीचे हैं, उनको तो मैं दिखने वाला वैसे भी नहीं हूँ। ओके पुलिस हट रही है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, हट जाए ऐसे ये बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए और बच जाऊँगा। लेकिन भाई उसके बाद कहाँ जाएंगे हम, वो पुलिस ले आई भाई घर पे। ओ भाई साहब क्या बोलूँ भाई, पुलिस हट चुकी है मेरे पीछे से। ओ भाई इतनी जल्दी पुलिस हट गई बिकॉज ऑफ लेस्टर बैठा भाई, वरना पॉसिबल नहीं था इतने जल्दी हटना। लेकिन हाँ भाई अच्छा हो गया, इसके घर पे चलते हैं जहाँ पर भी घर एंड करते हैं भाई इसको नीचे लैंड, और उसके बाद भाई देखते हैं लेस्टर से पूछ के हम क्या कर सकते हैं। भाई गलत ही सीन हो गया आज तो हमारे साथ। ओके भाई तो यहीं कहीं ना कहीं इसका घर है, तो अपन नीचे चलते हैं भाई, ये पार्किंग जो है यहाँ पर इसको उतार देते हैं और उसके बाद अपना प्लान देखते हैं। मेरे को नहीं पता भाई जहाँ उतर रहा सही है, आपको पता है मेरी लैंडिंग कितनी ख़राब है, मैं नहीं चाहता भाई कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो मेरे साथ। ओके भाई आराम से हम नीचे पहुँच चुके हैं, जी 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 यहीं उतार दे भाई, ज़्यादा प्रो बनने की ज़रूरत नहीं है। अरे इस खम्भे के ऊपर क्यों उतारा भाई, बस अच्छा उतार दिया भाई, निकलो यहाँ से। अरे भाई हट जा यार, निकलने दे ये मच्छर भी भाई। ओके भाई यार घर चलते हैं, इसके थोड़ा सा आगे ही है। लेकिन हाँ तो भाई यार जो लेस्टर है, वो कह रहा है कि भाई तू यहाँ से एक कार लेके आ और उसके बाद मैं बताता हूँ भाई आगे तेरे को क्या करना है। भाई लेस्टर क्या मास्टर माइंड बंदा है भाई, वो सोच रहा था कि मैं एक और बेस बनवाऊँगा, भाई क्या ही बंदा है ये। और इसको पता था भाई इसकी फैमिली कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी कर देगी, इसलिए भाई ये लाइटली ले रहा था, वहाँ पर रुक रहा था। लेकिन अभी ये बोल रहा भाई वहाँ पर जाए, जो भी वर्कर है उनसे फास्ट काम करा, क्योंकि भाई आराम आराम से कर रहे होंगे, वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो बोल रहा है वहाँ पर और ज़्यादा बंदे लेकर जाए, उनको जल्दी पेमेंट कर उसके डीलर को, एंड जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम करवा।
तो उसने मेरे को लोकेशन जो दी है भाई वो यहाँ पर दी है, क्योंकि इसके पीछे भाई समुद्र है भाई, अंडरग्राउंड समुद्र भूमंडल पता नहीं कैसे बनाई है। ओ भाई कितना लंबा रास्ता है, और मैं जाऊँगा भाई इस कार से, बिकॉज वो भाई उनको पता है हेलीकॉप्टर का, वो बंदे भागे हैं उनमें, एंड वो ट्रेस व्रेस ज़रूर करेंगे, तो इसलिए वो बोल रहा था तू जा, बाकी मैं इन दोनों से हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट वगैरह करवाता हूँ। एंड आपने देखा होगा वाला हेलीकॉप्टर भी हमारा वाला नहीं था, वो किसी और का था, तो ये भी अच्छा है उसके साथ के सीन हो गया होगा। लेकिन भाई चलो यार जल्दी से पहुँचता हूँ, और क्या बात है यार लेस्टर भाई, तो एक दो दिन में अपना बेस बन जाएगा, तब तक हमको ड्राइवर के घर पर ही खाना पीना है खुद से ही, तो चलो यार वो भी कर ही लेंगे, बट सबसे पहले ये बन जाए जल्दी से। तो मैं वहाँ पर बर्गर्स वगैरह लेके पहुँचता हूँ, एंड वहीं पर भाई कुछ ना कुछ आराम से रुके रहेंगे। एंड भाई यार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को फेस कैम के साथ बनानी चाहिए वीडियो, या फिर ऐसी नॉर्मली बनाता रहूँ जैसी अभी बना रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं, अगर फेस कैम वगैरह रखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप बताना, अगर आप कहोगे फेस कैम तो भाई डालूंगा आपके लिए, तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, प्लीज़ यार लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ये भाई जिसकी भी कार है तो बहुत ज़्यादा बेकार, लेकिन क्या ही बिल्ड क्वालिटी है भाई, उस कार को ऐसे ही गायब कर दिया, वो गलत पहुँच गया भाई, ये तो उड़ रही है भाई साहब। आराम से घर पहुँचना है मेरे को, सॉरी सीक्रेट बेस पर पहुँचना है मेरे को। क्या कंट्रोल है भाई इसके, हजार जगह छुटुकती जा रही है यो, ऐसे थोड़ी होता है यार भाई, कैसे कैसे से रास्तों पे जा रहा हूँ मैं भाई, एकदम मोड़ था वो, और इतना भाई बड़ा टर्न ले नहीं पाई भाई की कार आपके। लेकिन भाई अभी तो बहुत ज़्यादा जाना है, अब इतना घूम के धरा जाऊँ, यहीं से शॉर्टकट मार के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से चढ़ा दिया कार इजीली, इजी पीजी, और अभी चलते हैं इधर से। भाई की कितनी ज़्यादा विंड लग रही है भाई, इनको शायद विंड कहते हैं अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। ओ भाई वो है फैक्ट्री, उसके पीछे कहीं बता रहा था। चलो जी अच्छे शॉर्टकट मार लिए मैंने, इतने तगड़े शॉर्टकट तो भाई वो मार भी नहीं पा सकता, तुम्हारा भाई खतरनाक ऑन द टॉप है ब्रो। ओके चलो चलते हैं भाई, देखते हैं कहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन रास्ता थोड़ा उधर से है भाई, कन्फ्यूज़ हो गया मैं कहाँ से जाऊँ, लेकिन भाई कहाँ से जाऊँ। ओके यहाँ से थोड़ा रास्ता है कटा हुआ है भाई, इतना मुड़ने में टाइम लेती है ना कार, ये तो थार गई थी क्या भाई, मतलब ऐसी थी। अरे इसके अंदर नहीं जाना, इसके साइड इसके पीछे कहीं पर है, यहाँ पर तो मैं वैसे भी आ जाता शायद, लेकिन नीचे भाई रिवर वगैरह थी। हाँ जी तो इसके पीछे आ चुके हैं, वो बोल रहा था इस फैक्ट्री के एग्जैक्ट पीछे है, एग्जैक्ट पीछे है। ओके वो इस इधर तो कहीं नहीं दिख रही मेरे को, एग्जैक्ट पीछे हूँ, लेकिन ये कार तो एकदम टट्टी है भाई, यहाँ पर तो है ही नहीं, नहीं यहाँ पर है, और कहाँ है भाई फिर, उधर साइड भी नहीं दिख रही मेरे को। तो भाई इससे फ़ोन करके पूछता हूँ क्या सीन है यहाँ पर। ओके भाई यार तो इससे बात हो चुकी है, एंड ये कह रहा है कि भाई थोड़ी देर में ही वर्कर्स पहुँचते होंगे, क्योंकि भाई रेस्ट वेस्ट पे जाते हैं वो दोपहर के टाइम पर, तो इतनी देर में वो आने वाले होंगे, लेकिन मैं इतनी थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेता हूँ तब तक वो आते हैं, यानी कि जब तक वो आते हैं। ओके भाई यार तो यहाँ का डीलर आ चुका है, लेकिन भाई कैसा डीलर है, हो इसकी एक बार शक्ल तो देखो। एंड इसने मेरे को बता दिया यहाँ पर क्या टनल बनने वाली है, कहाँ पर टनल बनने वाली है, जो कि लेस्टर ने मेरे को भेजा है, तो ये कह रहा भाई वर्कर्स अभी काम पे गए हैं आ रहे हैं, एंड जब उनका मूड होता है वो तभी करते हैं। और इस जगह पर बता रहा है इस जगह कहीं पर बनने वाली है अंडरग्राउंड, भाई क्या ही सीन है यार, इसके नीचे अंडरग्राउंड बनेगी एंड वोटर के अंदर बनेगी भाई, इतना तगड़ा भाई तो ढकेल गिरा पिट के जाएगा कैसे, दूर हो चल भाई अलग ही हैंट है इसकी। हाँ तो चलो यार यहाँ पर काम हो जाएगा, अच्छा है एंड हमारे लिए भी अच्छा होगा भाई, लेस्टर तो बहुत तगड़ा मास्टरमाइंड निकला, ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो अगर तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यहाँ पर कैसा काम होने वाला है टनल में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कैम बियॉन्ड।